Hi, I'm Ajinkya. In this session, we are going to discuss about questions from ESE, matlab Engineering Services Examination, or specifically upon aptitude questions ke bare mein baat karenge. Matlab engineering aptitude ke upar jitne bhi questions ye exam mein puche gaye uske bare mein apan discuss karenge. So let's look at first question. So question read as, in a lake, the tip of a bud of a lotus is seen 10 cm above the surface of water. Forced by the wind, it gradually moved and just submerged at a distance of 30 cm. The depth of water at the root of lotus plant will be option A 40 cm, option B 50 cm, option C 60 cm, option D 70 cm. So we will look at what the question says. तो ये एक लेक दिया है, ठीक है, दिस इज अ लेक और इसमें क्या है, एक लोटस प्लांट है, मतलब एक ऐसा लोटस का प्लांट है और ये उसका, ये क्या बोल रहा है, सरफेस के कितना ऊपर है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है. अब उसने क्या बोला है कि इधर से वाइंड ब्लो हुआ, मतलब इधर से वाइंड ब्लो हो गया, तो ये क्या हुआ, ग्रेजुअली मूव हो गया और ग्रेजुअल मूव होके क्या हो गया, इधर किधर जाके सबमर्ज हो गया. अब देखो ऑब्वियसली यहाँ पे वाइंड इधर आ रहा है तो ये क्या होगा, ऐसे ना कि, क्योंकि यहाँ पे इसके रूट्स रहेंगे तो ये कैसे ऐसे स्लाइड होगा. इट ग्रेजुअली मूव एंड जस्ट सबमर्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, तो ये कहाँ पे मूव हो गया, ऐसे मूव होके, मान लो यहाँ पे जस्ट सबमर्ज हो गया, ठीक है. तो उसने क्या बोला है कि ये वाला डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर, ये वाला डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है. तो अपने को क्या निकालना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है. अब देखो मोस्ट ऑफ द लोग क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं बट आंसर गलत टिक करते हैं. अब अपने क्वेश्चन में क्या पूछा है, द डेप्थ ऑफ वाटर एट द रूट ऑफ लोटस प्लांट, मतलब अपने को क्या पूछा है, ये वाला डिस्टेंस, वॉट इज दिस डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा. तो ये काफी आसान क्वेश्चन है जो किसके ऊपर बना है, पाइथागोरस थ्योरम, कि पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है. अब मानता हूं मैं ये वाला डिस्टेंस कितना है x, या टोटल लेंथ ऑफ लोटस प्लांट ले लो l, ये वाला टोटल डिस्टेंस कितना लेता हूं l, तो ये वाला कितना होगा, टोटल में से 10 गया तो ये कितना होगा, l माइनस 10, तो ये आपको फाइंड करना है. अब ये कितना होगा l, ये कितना होगा l, तो अब यहां पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये ऐसे मूव हो गया होगा वाइंड के कारण, तो यहाँ पे जस्ट सबमर्ज हो गया, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो क्या होगा, दी स्क्वायर प्लस दी स्क्वायर इक्वल्स टू दी स्क्वायर, तो एल माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 30 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा, एल स्क्वायर माइनस 2 × 10 इंटू एल प्लस 10 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर कैंसिल, तो ये कितना होगा, 100 प्लस ये कितना होगा, 900 इक्वल्स टू 20 L, तो कितना होगा, 1000 इक्वल्स टू 20 L, तो L इक्वल्स टू कितना होगा, 50. अब देखो आपको L कितना मिला, 50, तो ये टोटल डिस्टेंस आपको कितना मिला, 50, ये मेरा क्या है, L, बट आपको क्या निकालना है, L माइनस 10, तो L माइनस 10 कितना होगा, 40 सेंटीमीटर, तो आपका आंसर क्या होगा, 40 सेंटीमीटर. बहुत सारे लोग 50 निकालते हैं और जल्दबाजी में 50 टिक कर देते हैं, ठीक है, बट आंसर क्या आना चाहिए, 40 सेंटीमीटर, क्योंकि उसने क्या पूछा है, द डेप्थ ऑफ वाटर एट द रूट ऑफ लोटस प्लांट, मतलब जहां पे रूट होगा वहां पे डेप्थ ऑफ वाटर कितनी होगी, तो डेप्थ उसकी कितनी होगी, डेप्थ उसकी कितनी होगी, यहां से यहां पे, मतलब ये उसका क्या रहेगा, डेप्थ. थैंक यू. अगले वीडियो में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे.